पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन इंदौर में भी मनाया गया। यूं तो इंदौर में कई बड़े कार्यक्रम हुए, लेकिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी ने इंदौर के आस्था वृद्धाश्रम में उनका जन्मदिन मनाया। देश के ओजस्वी वक्ता, करिश्माई नेता, कवि और विरोधियों के बीच सम्मान के पात्र रहे पूर्व प्रधानमंत्री भारतवर्ष अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन इंदौर में मनाया गया। उनकी भतीजी माला तिवारी इंदौर के परदेसीपुरा स्थित आस्था वृद्धाश्रम में पहुंचकर वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया। संस्था अटल फाउंडेशन के बैनर तले इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया, साथ ही आश्रम में रह रहे वृद्धजनों को भोजन भी कराया गया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी माला तिवारी का कहना था कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत सरल और सहज स्वभाव के थे। उन्होंने कहा कि अटल जी को जब भी समय मिलता था तो वे अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते थे। श्री माला तिवारी ने कहा कि मैं प्रत्येक वर्ष अटल जी का जन्मदिन इन व्रत जनों के साथ मनाती हूँ। जब उनसे अटल जी की यादों के बारे में पूछा गया तो वे भावुक हो गई और अटल जी से जुड़े कई रोचक प्रसंग सुनाने लगी। वृद्धों के साथ इनके भोजन का समय इस इन लोगों के साथ बिताएंगे, मिठाई और नमकीन वितरण करके इनके भोजन के साथ ही रहेंगे। मैं काफ़ी समय से, मतलब बहुत सालों से ये इनका जन्मदिन मनाती आई हूँ और आज वो होते तो 95 इयर्स के होते। उनकी कमी बहुत ज़्यादा कर रही है। इन लोगों के साथ आकर मन को बहुत शांति मिलती है। मैं कई बार आती हूँ और चूँकि ऐसा लगता है ये भी अपने ही हैं, इनको भी छोड़ रखा है सबने। हमेशा काफ़ी लोग भी रहते हैं यहाँ पे जो करते आए हैंगे आस्था वृद्धाश्रम, वो इसको भी 25 साल हो गए, सबके सहारे ही चल रहा है ये भी। कुछ यादें अटल जी, अटल जी कोई बात जो आपके जहन में अभी तक हो? ऐसी तो हज़ारों बातें हैंगी, क्योंकि मैं उनके बड़े भाई सदा बिहारी जी की सबसे छोटी बेटी हूँ। मेरी शादी के समय वो करीब 3 दिन ग्वालियर रहे थे, विदेश मंत्री बन के पहली बार आए थे। उनको क्या चाहिए तुमको, बस इतना बोलना रहता था। वो पूछे क्या चाहिए, हमको जब उस समय टेप रिकॉर्ड नहीं हुआ करता था, हमको टेप रिकॉर्ड चाहिए, फिर हमको जो गहने पहनने हैं वो फूलों के ही चाहिए, तो वो दिल्ली से लेकर आए थे मेरे लिए स्पेशल मोगरे के। फिर मैं ससुराल, शादी के बाद की एक बहुत अच्छी घटना थी, मेरा इस कॉलेज टाइम में फ्रैक्चर हो गया था हाथ में, जिसका ऑपरेशन दिल्ली में ही हुआ था, उन्हीं ने करवाया था सफदरजंग हॉस्पिटल में। तो जब मैं ससुराल में थी तो शर्मा शर्मी में मसाला पीस दिया मैंने, तो वो बोले भी कि पूछे कैसे हो, मैंने कहा चाचा जी हाथ बहुत दुखा और हाथ सूज गया। उन लोगों ने मना ही नहीं किया कि मसाला नहीं पीसो। तो बस सेकंड टाइम जब मैं उनसे मिली थी तो उन्होंने मेरे को मिक्सी गिफ्ट किया। ऐसी छोटी छोटी यादें जो दिल को बहुत ज़्यादा टच करती हैं और भूल नहीं सकते। एक चूँकि हमारे पिता के हम लोग 6 बहनें ही बहनें हैं, भाई नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे पिता से भी उनको लगाव था और वाजपेयी परिवार का वही बड़ा घर था हम लोगों के, कमल प्रकाशन नाम से प्रकाशन था, तो उनका दायित्व था, वो पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम बहनों का ध्यान रखते थे और परिवार के सभी लोगों का स्पेशल। उनको ना मतलब उसमें ये नहीं था कि मैं बड़ा नेता हूँ ये है। जब पीएम बने तो हमारे बच्चों ने बोला कि हमको नाना देखना है पीएम हाउस, मतलब वो बने थे। उसके जस्ट मैं 1 या 2 महीने बाद ही गई हूँ दिल्ली, तो बहुत उससे बोले देखो कितना बड़ा है, कितना अच्छा है, देखने में है लेकिन है बहुत कांटों भरा। ये शब्द मतलब लगता है कि वाकई में पीएम का ताज जो है बहुत कांटों भरा है, देखने में चमकीला लगता है। मैंने उनको काम करते देखा है, रात रात भर कुर्सी पे बैठे देखा है।